हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपके बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, प्लानिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा और प्लानिंग के टाइप्स थे। मैनेजमेंट फंक्शंस में मेन 6 फंक्शंस देखे जाते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड द लास्ट इज कोऑर्डिनेशन। लेकिन कोऑर्डिनेशन को हम लोग एग्जैक्टली 6 जो फंक्शन उसमें इंक्लूड नहीं करते, कोऑर्डिनेशन को हम एक सेंटर पॉइंट में ले लेते हैं और उस सेंटर पॉइंट से सबको कनेक्ट कर देते हैं, और वो कुछ इस तरीके से है। जस्ट अमेंट मैंने बात की थी कि मैनेजमेंट फंक्शन में मेन 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन को एज अ 6 फंक्शन हम इसे नहीं देते, क्योंकि इन पांचों में कोऑर्डिनेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स पे देखिए तो ये कोऑर्डिनेशन भी एक मैनेजमेंट फंक्शन के रूप में देखा जाता है, लेकिन जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11th 12th का, उसमें कोऑर्डिनेशन को इन्होंने एज अ 6 यानी मैनेजमेंट फंक्शन कंसिडर नहीं किया हुआ है। उन्होंने इसको बीच में सर्कल पे रखा है और इसके अगल बगल इन पांचों को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक, अब मेन ये कहना है कि भाई प्लानिंग तो हमने कर ली, प्लानिंग के बाद जो हमारा सेकेंड एस्पेक्ट आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है ग्रुप बनाना, चीजों को इकट्ठा करना, और बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने प्लान किए एक पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर किसी और चीज के लिए, उसको हम साथ लाएं, साथ लाने के साथ उसको हम एक प्रोडक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक, वो ऑर्गेनाइजिंग की सेंस पे जाता है। तो आइए इसके आगे और देखते हैं, और फिलहाल ये इस डायग्राम को डिस्क्राइब करके चलते हैं। प्लानिंग हमने देख लिया, प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग क्या होता है, एक फ्यूचर फोरकास्टिंग है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का प्री डिटर्मिनेशन है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, किस किस रेशियो में, किस किस क्वांटिटी में चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। और उसके बाद स्टाफिंग कर दी जाती है। स्टाफिंग में मेन होता क्या है कि हम जो हमारे पास मैन पावर है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसे उसका जॉब पकड़ाते हैं कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये जाओगे, तुम ऐसे जाओगे। ठीक, उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमारा मेन है कि हमें किस मतलब क्या पर्टिकुलर अचीव करना है उसके बारे में हमें शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ तुम इतना से इतना जाओगे, तुम ये करोगे, तुम इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती है। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में है कि आप आई डायरेक्शन के बाद जब आपके सामने काम आएगा या काम आप देखते रहेंगे तो उस समय आप उसको मॉनिटर करोगे कि काम आपके अकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो वही आपकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन किस तरीके से किया गया है। चलिए अब आपके बुक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग और कुछ नहीं है, मेन आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। यानी आप जब किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेट मतलब स्टार्ट करने जाते हो या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आप इस पे क्या क्या लगने वाला है, वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफिकेशन के साथ हम उसे मतलब पकड़ते हैं, मतलब एक्वायर करते हैं, और फिर उसकी ग्रुपिंग करते हैं, उसको साथ लाते हैं, ताकि जब वो साथ आएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स और एसेंशियल्स, तब वो एक प्रोडक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, फिर ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इन तीन चीजों के मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला फिजिकल, यानी जो भी चीज आपको बनाना है उसको फिजिकल फॉर्म में लाओ, मतलब जैसे लैंड है, रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, जो भी चीज है आप उसको एक लाइए। फाइनेंशियल क्या है, कैपिटल लगाना, अगर आपके पास खुद के पास कैपिटल नहीं है तो आप भाई किसी से बोरो करो या फिर इन्वेस्टर्स इनवाइट करो। और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये दोनों अगर आ जाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स आपके पास नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। मशीन खुद ऑपरेट नहीं होती है, मशीन को ऑपरेट करना पड़ता है, उन्हें उनके बटन दबाने पड़ते हैं। इवन अगर वो ऑटोमेटिक है फिर भी कहीं ना कहीं से उनका एक पावर बटन होता है, तो वो पावर बटन दबाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, इन सारे जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, हाँ, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन है, इनको एक साथ लाना ही ग्रुपिंग कहलाती है, और यही ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजिंग की सेंस में देखी जाती है। एस्टैब्लिश मोर प्रोडक्टिव रिलेशन। बिल्कुल भाई, अगर ये तीनों साथ आएंगे तो क्या प्रोडक्टिव रिलेशन नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग एक साइंटिफिक वो भी है, मेथोडोलॉजी भी है, कि इसमें हम साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद ये देखते हैं कि हमने जो इनपुट्स इकट्ठा किए हैं वो इनपुट्स किस किस हद तक प्रोडक्टिव हैं और हमें किस हद तक बिजनेस दे सकते हैं। तो जब बिजनेस देने की बात आती है तो वहां पे हम
इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप फॉर्म करवाते हैं और उस स्ट्रांग रिलेशनशिप की वजह से ये हमारे लिए और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, और लास्ट है अचीविंग स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल में तो भाई मान लो अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना है, वो एक स्पेसिफिक गोल हो गया। या फिर अगर कंपनी को और हाई लेवल पे ले जाना है मार्केट में, तो वह स्पेसिफिक गोल हो गया। ठीक, ये सारी चीजें आपकी इसमें काउंट होती है। अब अगली चीज है आपके सामने, वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। कि अगर ऑर्गेनाइजिंग कर भी रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग के कौन कौन से तरीके हैं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसे देखते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। यार ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में एक ही चीज मैंने पाई, वो ये है कि यहाँ पे दो चीजें मेन रखेंगे। पहला, अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो वह एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में ही डाली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लो कोई कंपनी कॉस्मेटिक्स बना रही है तो और कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन कर रही है, तो वहां पे वो मेन है आपका सेल्स डिपार्टमेंट तो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ किस में, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन प्रोडक्ट्स में जाएगा। क्योंकि भाई कॉस्मेटिक एक क्या है, एक दवाई तो होती है और क्या होती है। कॉस्मेटिक हमारे लिए लोशन है या फेस क्रीम होती है, सब होता है। ये सब मेडिकेटेड चीजें होती है और ये सारे के सारे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिकल मेडिकल गुड्स के सेंस में जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, ये ऑर्गेनाइजिंग का पहला चैप्टर है, पहला टेंडेंसी है, या पहला प्रोसेस है। आप जब ऑर्गेनाइज करते हो चीजों को, ग्रुपिंग करते हो सबकी, और ग्रुपिंग करने के बाद जब आप उनको मेन ले जाते हो प्रोडक्शन पेज पे, तो उससे पहले आप सबको उनका काम बता देते हो कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम मशीन ऑन करना है, तुम्हारा काम मशीन के अंदर जो रॉ मटेरियल उसको डालना है, तुम्हारा काम उस क्या कहते हैं पटरे को, मतलब पट्टे को सही करना है जिसपे चीजें फ्लोट होकर आगे बढ़ती हैं, और तुम्हारा काम इसकी पैकेजिंग का है, और पैकेजिंग में जो मशीन लगी है उसको कंट्रोल करने का है। तो ये क्या डिवीजन ऑफ वर्क हुआ ना। तो एक ही प्रोडक्शन प्लेस पे अलग अलग काम को आइडेंटिफाई करना कि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या काम हो सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग लोगों को वहां लगाना ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलता रहे और हमारे पास रेवेन्यू आता रहे। ठीक, सेकेंड है ग्रुपिंग की जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। बिल्कुल भाई, अलग अलग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग काम भी होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। जॉब का मतलब है यहाँ उस काम से जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है। अब अगर मैं प्रोडक्शन की बात कर लूँ तो जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होंगी वो सब के सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। चाहे वो कोई छोटी सी चीज का प्रोडक्शन हो, बड़ी सी चीज का प्रोडक्शन हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चेंज लाने की बात हो। ठीक, इन सारी चीजों की जो एक्टिविटी है वो सब की सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगी, और फिर एज पर दी एक्टिविटी या नेचर ऑफ एक्टिविटी उसे हम ग्रुप वाइज अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक, इसमें दो चीजें आती है ना, फंक्शनल भी है और डिविजनल डिपार्टमेंट भी है। फंक्शनल डिपार्टमेंट में मैंने आपको भी पहले ही बता दिया कि इसमें ऐसी एक्टिविटीज ग्रुपिंग की जाती है एक ही में जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है या प्रोडक्ट बनाने के सेंस में होती है। और जहां हम डिविजनल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि प्रोडक्शन एक ही जगह होता है, प्रोडक्शन बहुत अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन वो एक सिंगल प्रोडक्शन अलग अलग डिविजन में जाता है। यानी सेल्स डिपार्टमेंट है, स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट है, वेयरहाउस डिपार्टमेंट होता है, और भी कई चीज होती है। तो वही सेम प्रोडक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएगा और फिर फाइनली उस सेल्स डिपार्टमेंट से डिस्पैच होकर के सीधे मार्केट में घुसता है और वहां से भी सेल आउट हो जाता है। ठीक, तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब अगर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की बात कर दी तो भाई सीधी साफ बात है कि आप जिसको जो ड्यूटीज अपॉइंट करोगे उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपॉइंट करोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने जो काम जिसको सौंपा है उसके बारे में पूरी डिटेल लिख के उसको दो कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, उसमें तुम्हें इतना करना है, ये नेचर ऑफ वर्क है। जैसे कहते हैं ना जॉब प्रोफाइल, जिसे कहा जाता है जॉब प्रोफाइल की सेंस में भी यही होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में, कि वहां पे आपकी डेजिग्नेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या काम देखना है, क्या क्या काम कवर करना है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लास्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजिंग में यह है एक हायरार्की बनाई जाती है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक ऑर्डर बनता है कि सबसे पहले चेयरमैन, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर मैनेजर, ऐसे नीचे नीचे हायरार्की चली जाती है। सीईओ, सीएफओज हैं, फिर एक जनरल मैनेजर है, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर है, फिर सीनियर सुपरवाइजर्स हैं,
और फिर ऐसे कंट्रोलर सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब में एक वो है रिपोर्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है जो सबसे नीचे है। यानी अगर हम ऑर्डर में देखें तो सुपरवाइजर सबसे नीचे है, वो किसको रिपोर्ट करेगा? सुपरवाइजर सीधे अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। डिपार्टमेंटल मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा? वो अपने जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा जो कि पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। और फिर जो जनरल मैनेजर है किसी कंपनी का, वो सीधे किसको रिपोर्ट करेगा? सीईओ को करेगा। सीईओ के ऊपर कौन गया है? डायरेक्टर्स है, उनसे ऊपर चेयरमैन है। तो ये जो हायरार्की, जो ऑर्डर मैंने बताया, ये ऑर्डर आपके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स के सेंस में जाता है। ठीक है, अगला है आपके सामने सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है। आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके मतलब मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के लास्ट में अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल वी आर मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड देन वी विल मूव ऑन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। जहां मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली चीज होती है कि हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं। जब किसी एक बंदे के ऊपर पूरा लोड नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अपना बेस्ट दे पाएगा। और दूसरी चीज, जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो अलग अलग सेक्शन को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो एक बंदे के पास एक ही काम, मतलब एक पूरे बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा उस बंदे के पास आता है। यानी अगर काम अगर पूरा 100 है और मान लो 20 लोग हैं काम करने के लिए आपके नीचे, तो हर एक बंदे के पास कितना आएगा? 5-5 आएगा ना। तो जो 5 वाला एक सेक्शन है छोटा सा, उस छोटे सेक्शन की वजह से वो बंदा अपने काम में स्पेशलाइजेशन कर पाता है कि हाँ हमें ये काम दिया गया है और हमको इसको परफेक्ट करना है। तो परफेक्ट करने की वजह से वो उसको बार बार करते करते उसमें स्पेशलाइज हो जाता है कि ये काम सिर्फ यही बंदा संभाल सकता है और किसी और बंदे को दोगे तो वो उसको नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग में जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो यही होता है, वो है स्पेशलाइजेशन का ही है कि पूरे एक बड़े काम को छोटे छोटे चंक्स पर डिवाइड कर देते हैं और वो चंक्स अलग अलग लोगों को अलॉट कर दिया जाता है। ठीक, रो क्लैरिटी में मेन है कि ऑर्गेनाइजिंग में मैंने कहा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार होता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पर्टिकुलर काम जो आपको सौंपा गया उसमें आपको क्या करना है, कितना करना है और किस हद तक करना है, ये सारी चीजें उस जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। और किसे करना है ये भी लिखा होता है कि पता लगे अरे यार तुम कर दो, नहीं तुम कर दो, ऐसा नहीं होता कि आप अपना काम किसी और को मतलब और किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं, जो काम आपके नाम पे लिखा है उसे आपको ही करना होगा और कोई दूसरा बंदा उसमें हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तीसरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। यहाँ पे क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है कि हम किसी ऑर्डर दे सकते हैं और किसी नहीं दे सकते। मतलब भाई ऑर्डर किसको दिया जाता है? जो आपसे नीचे का होता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर फॉलो यानी हायरार्की फॉलो होती है ऊपर चेयरमैन से लेकर के नीचे सुपरवाइजर तक, तो जो भी बड़ा है वो अपने इमीडिएट नीचे वाले को यानी इमीडिएट बिलो या इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि तुम ये करो वो करो, यहां जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो। ठीक, लेकिन मेन चीज है जब आपको ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में ये चीज श्योरी नहीं होगी कि आप किसे ऑर्डर दे सकते हो किसे नहीं दे सकते, तो फिर वहां पे स्कफल्स खड़े हो जाते हैं, डिस्क्रिपेंसी खड़ी हो जाती है और कभी कभी तो झगड़े भी होते हैं। तो इन झगड़ों को बचाने का सबसे तगड़ा तरीका है कि आप प्रॉपरली चीजों को ऑर्गेनाइज कर दो, एक क्या कहते हैं उसे ऑर्डर यानी हायरार्की ऑर्गेनाइज कर लो कि भैया सबसे ऊपर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये और फिर ये, आप इसे ऑर्डर करोगे, ये आपको ऑर्डर करेगा और ये अपनी जगह ऑर्डर करेगा। ठीक, अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल, अगर कोई एक काम मान लो कि सारा काम किसी एक बंदे को दे दो तो वो क्या करेगा? मुश्किल से वो एक या दो काम को मैनेज कर पाएगा, लेकिन बाकी काम क्या वो मैनेज कर सकता है? नहीं, वो मैनेज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही काम या एक 100 का जो पूरा बड़ा काम है अगर उसे 20 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो वहां पे क्या होगा? जो रिसोर्सेज आपने ऑर्गेनाइज की है उस काम के लिए वो उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यानी एकदम बेस्ट यूज होगा और वेस्टेज से बचें क्या। ठीक, तो वेस्टेज ही बचाना मेन बिजनेस का काम होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमने खरीदे हैं पैसे देकर के उसका हम ऑप्टिमम यूज कर पाए और उस यूज की वजह से हमारा वेस्टेज भी ना हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे मिनिमम इनपुट पे निकल जाए। ठीक, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
कोऑर्डिनेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सबको अपना रोल पता होता है, अपनी ड्यूटीज पता होती हैं, अपना कहते हैं ना उसे डेजिग्नेशन क्लियर होता है, और सबसे बड़ी चीज कि आप किस मतलब आपके ऊपर कौन है जो आपको ऑर्डर दे सकता है, आपके नीचे कौन है जिसको आप ऑर्डर दे सकते हो, वो सारी चीजें बहुत इजीली क्लियर होती हैं। इसकी वजह से कहीं कोई भी कहते हैं ऊंच नीच नहीं होती और कोई भी वो है कहते हैं मिस मैनेजमेंट नहीं होने पाता या मिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने पाता। तो इन दोनों चीजों से जब बच जाते हैं तो वो सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में एक वो है ट्यूनिंग बना के रखना, कहते हैं केमिस्ट्री बॉन्ड बना के रखना, तो वो बॉन्ड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग से क्रिएट हो जाता है। ठीक, अगला एडॉप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप जिस पर्टिकुलर मेथड या जो भी तरीका आपने फॉलो किया है काम करने का, अगर मार्केट में सिनेरियो चेंज होता है, जैसे कहते हैं एनवायरमेंट चेंज होता है, तो वो एनवायरमेंट बड़ी इजीली ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू इंक्लूड भी हो जाता है और अडॉप्ट भी हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई हम इनपुट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो इनपुट्स में अगर मान लीजिए आप मशीनरी भी एक इनपुट ही के सेंस में, मशीन अगर आप पुरानी यूज कर रहे थे तो ऑर्गेनाइजिंग में आपने देखा कि यार कि मशीन तो पुरानी हो गई है, क्यों ना इसको चेंज करके एक नई मशीन लाए। तो जब नई मशीन आप लाएंगे तो वो एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का एक पार्ट है। आपने क्या कि नई मशीन लाए, उसको अंदर लाए, इंस्टॉल करवाया और फिर जिस पर्सन को उस मशीन पे काम करना था उसे ट्रेन कर दिया। ठीक, ट्रेनिंग के बाद वो मशीन को बहुत इफेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली चला रहा है। और इसकी वजह से सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उस चेंज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर ले गए, एब्जॉर्ब कर ले गए और अडॉप्ट हो गए। ठीक, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कौन नहीं चाहता, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन ग्रोथ चाहता है। और ऑर्गेनाइजिंग में जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो यही होता है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाएं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ेगी, जब उसके एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, उनकी ग्रोथ होगी, तब हमारे बिजनेस का भी एक्सपेंशन ग्रोथ पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी फल फूल नहीं सकता, यानी एक्सपैंड और ग्रोथ दोनों नहीं हो सकती। ठीक, द लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो मैंने पहले बात कर दी थी कि भाई ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू भाई मेन चीज क्या है, रोल डिटर्मिनेशन है, रोल फिक्सेशन है, रोल क्लैरिटी है। इन सारी चीजों की वजह से बंदे को जब आप जो काम अलॉट कर रहे हो वो उस काम में कहते हैं महारत हासिल एक्सपर्टीज पा लेता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आता है और डेवलपमेंट के साथ साथ वो अपना बेस्ट देता है, और बेस्ट देने की वजह से उसे एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ इस काम को हम ही कर पाते हैं और हमारी वजह से कंपनी और अच्छी जा रही है और कंपनी से ये फील करा भी देती है। और डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं बीच बीच में, वो क्लास लेक्चर टाइप, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दोनों चलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने पे रोक रहा हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अधिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और कोशिश कीजिए कि आप मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। अगर कोई डाउट इसके बाद भी आए तो वीडियो के लास्ट में आप पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।